वो पता नहीं था कि टंकी होता क्या है, ये बताया गया है। लोग क्यों जाते हैं विदेश, क्यों, क्या मजबूरियां होती हैं, क्यों वीजा नहीं दिया जाता, क्यों उन लोगों को लैंग्वेज के कारण नहीं दिया जाता वीजा, क्या वो लोग हमारे यहाँ आए थे तो उनको हिंदी आती थी, ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं और जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। दोस्तों, ऐसा प्यार आज तक किसी भी बॉलीवुड की मूवी को नहीं मिला है जितना अच्छा प्यार डंकी को मिल रहा है। लोग कहते हैं आज तक हमें पता नहीं था कि डंकी क्या होता है और शाहरुख ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वहीं तरण आदर्श कहते हैं डंकी ने 5 दिनों में 206 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया है और शाहरुख ने 1 साल में जितनी कमाई की है वो कोई नहीं कर सकता। शाहरुख खान 2023 के बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और ये साल शाहरुख खान के नाम लिखा जाएगा और जो रिकॉर्ड शाहरुख ने बनाए हैं वो जिंदगी भर हर किसी को याद रहेंगे। इस बार पूरी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री शाहरुख खान के रिकॉर्ड को देखकर हिल गई है और वहीं ओवरसीज में भी शाहरुख की डंकी मूवी ने इतना बड़ा कलेक्शन किया है जो कि आज तक किसी भी बॉलीवुड की फैमिली एंटरटेनर मूवी ने नहीं किया था। शाहरुख ने 1 साल में 3 बहुत बड़ी सुपरहिट मूवीज देकर बॉलीवुड के इतिहास को ही पलट दिया है और इस बार जवान के विक्रम राठौर के बाद शाहरुख डंकी में एक क्यूट अवतार में नजर आए और वहीं पूरी दुनिया ने डंकी को एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन देने वाली मूवीज में डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, डंकी एक ऐसी कहानी है जो कि सीधे दिल पर लगती है। वहीं विक्की कौशल ने तो इस बार हर किसी को काफी इंस्पायर किया है और उनकी एक्टिंग काफी कमाल की थी जो कि हर किसी को पसंद आ गई है। लोग कहते हैं तापसी पन्नू, विक्की कौशल इस बार काफी कमाल के एक्टर नजर आए और वहीं डंकी में शाहरुख ने 4 चांद लगा दिए। ऐसी कहानियां आने चाहिए और राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर अगर ऐसी मास्टरपीस मूवीज बनाने का पावर रखते हैं तो उनको और ऐसी मूवीज बनानी चाहिए जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए और युवा पीढ़ी भारत को छोड़ने की इतनी बड़ी भूल ना करें जिनकी वजह से उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा संकट आ जाए। और वहीं इंडिया में डंकी की एडवांस बुकिंग ने ताबड़तोड़ तबाही मचा दी है और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता और इंडिया में डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स भी मिल चुके हैं। इस पर YIF इंडिया में और ओवरसीज में डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की संभावना है और ये अब एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। डंकी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है जिसकी वीडियो आपको ट्विटर पर देखने को मिलती है। दोस्तों, शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्योंकि जवान के बाद शाहरुख खान का स्टारडम काफी बड़ा है और अब तो राजकुमार हिरानी की मूवी में शाहरुख खान आएंगे। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म। सच बताना, आप डंकी का कितना इंतजार कर रहे हो और आप क्या डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे? कमेंट में लाजमी बताना और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको शाहरुख खान की हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर